डोंट बी स्केर्ड, डोंट बी स्केर्ड, वेट इसका, डरो मत, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, सिंपल सिंपल थिंग आई डिड, आई सेड लुक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल हु डिफाइन हाउ दिस कंट्री इज गवर्न्ड, ऑफ कोर्स लोकसभा एंड विधानसभा, बट बियॉन्ड दैट दे आर द 90 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 पीपल सेक्रेटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आई आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 90 पीपल कम फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत, और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश लोग जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.